सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट हो काफ़ी बेहतर हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि बिहार बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके बता दिया गया था जो रिजल्ट होगा जारी हुआ 3 बजे। तो फाइनल हम बात करें तो 3 से यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसे हम बात करें तो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि आज ही का टाइम था तो आज यहाँ पे साफ साफ रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे हम बात करें कि आप लोग मार्कशीट के साथ अपना रिजल्ट कैसे देखे। जहां दोस्तों आपने सही देखा, सही सुना, मार्कशीट के साथ अपना रिजल्ट कैसे देखे। जैसा दोस्तों हम बात करें तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है, अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं और ओपन करते हैं साइट को तो वह ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम अपने खुद के मोबाइल से, खुद के कंप्यूटर से घर बैठे हम अपना रिजल्ट वो भी मार्कशीट के साथ देख सकते हैं। कौन से विषय में कितने अंक आया है ये भी आप जान सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गोप्ता। जो टॉप चैनल पहले चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि सभी छात्र को पता चल सके, वो भी मार्कशीट के साथ अपना रिजल्ट चेक कर सके। दोस्तों आप आसान तरीका से अपना मार्कशीट के साथ रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कौन से विषय में कितने अंक आए हैं ये भी आप जान सकते हैं। और इससे हम बात की तो बिहार बोर्ड जो ऑफिसर साइड है वह काफी फंस रहा है, अभी भी जाके आप देख सकते हैं कि वह ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग जो कि ऐसा साइट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप लोग ओपन करके वहां से आप लोग मार्कशीट के साथ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले तो आपको आना होगा गूगल पे। गूगल पे आपको यहां पे क्या सर्च करना होगा, चलिए आपको हम सर्च करके बताते हैं। आपको यहां पे टाइप करना होगा क्या, चलिए आपको हम टाइप करके बताते हैं। आपको यहां पे टाइप करना है सरकारीयोजना.com, ठीक है। तो हम यहां पे सर्च कर दे, जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने देख सकते इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, चलिए आपको हम वो भी बताते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेगा तो आपके सामने यहाँ पे कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ से आप लोग आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि बहुत दिनों के बाद आप सबका रिजल्ट जारी कर दिया है। आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे दिखते इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना। नीचे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिया है किस प्रकार चेक करना है, ठीक है। चलिए हम अच्छी तरह से यहाँ पे भगा के आ जाते हैं क्योंकि हम बात करें तो जो बिहार बोर्ड का ऑफिसियल साइट वो भी काम नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हो सकता है तो बहुत सारे संख्या में छात्र आ सकते हैं तो ये भी नहीं काम करेगा। तो आपको फाइनली क्या करना है कि साइट पे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया किस प्रकार आपको चेक करना है। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, इसकी वजह से यहाँ पे स्लो चल रहा है, लेकिन हम बात करें आपका अगर नेट अच्छा हुआ तो आप लोग आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम बात की तो इस साइट पे काम हो रहा है जो कि अभी अभी आपको यहाँ पे जो कि रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है, उसके बाद जो आपका स्ट्रीम है यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वह चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। जो यहाँ पे आप इस प्रकार का इमेज देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट चेक, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा रोल कोड, रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और आप लोग सबमिट करिएगा। आपके सामने मार्कशीट के साथ आप सभी का रिजल्ट यहाँ पे हाजिर होगा और आप उसे चाहे तो प्रिंट भी सकते या डाउनलोड करके रख भी सकते अपने खुद के मोबाइल में, खुद के कंप्यूटर में। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आप लोग इस साइट पे आके विजिट करते रहें क्योंकि कुछ ही क्षण में यहाँ पे आप सभी के देखने को मिलेगा। क्योंकि हम बात करें तो बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन हम बात करें तो यह साइट पे अपडेट हो रहा है लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप एक क्लिक में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि सभी छात्र को पता चल सके। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो कि अपडेट होगा तो आपको हमें जो कि एक लाइव प्रूफ के साथ एक छात्र का यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड करके बताएंगे किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।